घर के सिंपल चीज़ों से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी से पकोड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे 1 कप सूजी। और ये दोस्तों मैंने बारीक वाली सूजी ली हुई है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी हो जाए। और उसी के साथ 2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ बेसन। दोस्तों बेसन ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो ना डालें। 2 हरी मिर्च ले ली है तीखे के लिए, 1 मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, और थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं। आधी चम्मच ही मैंने यहाँ पे डाली है चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच जीरा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कच्चा आलू जिसे मैंने इस तरह से बारीक लच्छे से ना किस लिया था, उसके बाद 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक से लच्छे हमें मिले हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। और पूरा पानी निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम डाल रहे हैं यहाँ पे हरा धनिया, बस डाल के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले आलू को ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालेंगे। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप दही। तो ये दही दोस्तों ताज़ा दही मैंने लिया हुआ है, अगर आप बासी दही का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 2 चम्मच ही लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका दही 2 दिन पुराना हो तो आपको 2 चम्मच देना है, और ताज़ा दही आपको 1/4 कप लेना है, क्योंकि जो बासी दही होता है ना वो खट्टा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने उसी कप से 1/4 कप पानी लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करेंगे ताकि हमको कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ना 1/4 कप ही मैंने पानी पूरा इसमें डाल दिया है, और आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें बन गई है। चलिए 5 मिनट तक मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था, उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो बैटर है ना वो थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, यानी कि मीठा सोडा मैंने इसमें डाला है, और थोड़ा सा पानी, और बस वापस से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सूजी को ना रेस्ट ज़रूर करवाइएगा 5 मिनट के लिए, तब ना सूजी फूल जाती है अच्छे से, तो जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मीठा सोडा डाल के हमने बढ़िया से इसे फेंट लिया है, तो बैटर कैसे हमारा फूल गया है। तो चलिए चलते हैं तलने की ओर। तो यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये दोस्तों ना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कलर ही अच्छा आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है, यहाँ दूसरे साइड हमारा तेल भी बढ़िया से गर्म हो गया है, तो इसमें हम पकौड़े बनाने के लिए डाल देंगे। तो दोस्तों पकोड़े बनाने के लिए ना तेल हमारा बढ़िया से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसमें पकोड़े तलना है। अगर तेल हमारा थोड़ा सा भी ठंडा हुआ ना तो पकोड़े अंदर तेल को सोख कर लेंगे, और फिर हमारे पकोड़े ऑयली ऑयली हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा बैटर ना आप डाल के देख लीजिएगा, जैसे ही वो जल्दी से ऊपर आ जाए मतलब हमारा जो तेल है वो बढ़िया से गर्म है। उसके बाद आपको इस तरह से पकोड़े बना लेना है। गैस की फ्लेम हम हाई ही रखेंगे इस टाइम पे, ताकि पकोड़े हैं वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पकोड़े हमने पहले डाले हुए थे ना उनका कलर बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो बस उन्हें हम निकाल लेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इतने पकोड़ों को निकाल लेती हूँ, और बस 2 मिनट लगते हैं हमें इन पकोड़ों को तलने में। और ये देखिए इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया से आ गया है, तो सभी पकोड़ों को हमें निकाल लेना है। तो बाहर से तो ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम और भी पकोड़े तल लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने रेनू रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी पकोड़ों को बढ़िया से तल लिया है, और साथ में मैं इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मैं एक इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, और ये देखिए अंदर कितनी परफेक्ट जाली बनी हुई है इसमें,
तो दोस्तों जब भी आप बनाए ना तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम।